हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं आज, मैरिज। तो मैरिज आप जानते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारा। तो कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम मींस हायर कास्ट मेल प्लस लोअर कास्ट फीमेल इज़ अलाउड, ठीक है। प्रतिलोम मींस हाई कास्ट फीमेल प्लस लो कास्ट मेल नॉट अलाउड। तो प्रतिलोम विवाह हमारे यहाँ अलाउड नहीं था, अनुलोम विवाह अलाउड था, ठीक है। नेक्स्ट है लेवीरेट मैरिज, सोरोरेट मैरिज। लेवीरेट मींस जो ब्रदर है आपके हस्बैंड का, उसके साथ आफ्टर द डेथ ऑफ योर हस्बैंड। सोरोरेट मींस जो सिस्टर है आपकी वाइफ की, उसके साथ मैरिज अगर आप कर रहे हो आफ्टर द डेथ ऑफ योर वाइफ, ओके, ऐसे नहीं। तो ये कीवर्ड्स हो गए लेवीरेट, सोरोरेट, अनुलोम, प्रतिलोम, ठीक है। ये तो इंडियन कीवर्ड्स हैं जो हमने आपको बताए। लॉ ऑफ मैरिज क्या है? एक्सोगैमी, एंडोगैमी। एक्सोगैमी मींस आउटसाइड द ग्रुप, एंडोगैमी मींस इनसाइड द ग्रुप, ठीक है। तो आप जानते हो इंडियन सिस्टम में गोत्र सिस्टम होता है, और सेम प्लेस गोत्र और क्लैन, ठीक है। तो सेम गोत्र में मैरिज नहीं होती, सेम क्लैन में मैरिज नहीं होती, सेम प्लेस पे मैरिज नहीं होती, सब पिंड सा गोत्र, ये कीवर्ड्स हैं। तो ये आउटसाइड द ग्रुप होती है, ठीक है। तो ये एक्सोगैमी हो गई। और एंडोगैमी मींस विद इन द ग्रुप। सो विद इन द ग्रुप का एग्जांपल कास्ट, रिलीजन, ये एंडोगैमी है। तो वी आर एक्सोगैमस एज वेल एज एंडोगैमस बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। अपने गोत में मैरिज नहीं होगी, बट अपने कास्ट में, अपने रिलीजन में मैरिज होगी। तो एक्सोगैमस भी हैं और एंडोगैमस भी हैं। तो हम जो लाई करते हैं वो बीच में लाई करते हैं, मिडिल पॉइंट पे, ओके, कूल। लॉ ऑफ मैरिज क्लियर। Then types of marriage. Now discuss types of marriage. So one male, one female, monogamous, or more than one female or male, polygamous. Polygamy जिसको बोलते हैं। Polygamy भी two types की हो गई, polygyny, polyandry. Polygyny में क्या है? Polygyny में ये है कि आपका one male होगा और more than one female होंगी, ठीक है, polygyny. और पॉलियांड्री में क्या होगा? द्रौपदी से आप ध्यान रखना, पॉलियांड्री, ड्री मींस द्रौपदी। वन फीमेल मोर देन वन मेल्स, ठीक है, वन फीमेल द्रौपदी मोर देन वन मेल्स। तो ये भी टू टाइप्स की होगी, फ्रेटर्नल, नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल में आपके सारे भाई होंगे मेल्स, द्रौपदी का एग्जांपल है। नॉन फ्रेटर्नल में भाई नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि फादर कौन होगा। तो दो फादर होते हैं सोशियोलॉजी में, बायोलॉजिकल फादर और सोशल फादर। तो बायोलॉजिकल फादर जो रियल फादर है वो है, बट सोशल फादर वो है जो सेरेमनीज़ में या जो है सोशल कस्टम्स में रिकॉग्नाइज करता है, ऑथेंटिसिटी या अथॉरिटी जो है वो अपनी बना के चलता है। तो वो अलग अलग होते हैं। तो बायोलॉजिकल अलग होता है, सोशल फादर अलग होता है, ठीक है। तो ये प्रेवलेंट है, दीज टर्म्स, दीज कॉन्सेप्ट, दीज प्रोसेस आर प्रेवलेंट इन इंडिया। दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस लेक्चर टू यू, ओके। सो एंडोगैमी, एक्सोगैमी डिस्कस कर लिया हमने, पॉलियांड्री, पॉलिग्नी। पॉलियांड्री में टू टाइप्स हो गए, फ्रेटर्नल, नॉन फ्रेटर्नल। अब दो और हैं, क्रॉस कजिन मैरिज और पैरेलल कजिन मैरिज, ठीक है। क्रॉस कजिन में क्या होगा? क्रॉस कजिन में एक मेल फीमेल, ठीक है, उनके बच्चों के बीच में शादी होगी, कजिन्स हैं। और पैरेलल में सेम होंगे, फीमेल फीमेल कजिन होंगे या मेल मेल कजिन होंगे, उनके बच्चों में शादी होगी, ठीक है, मैरिज होगी। ये हो गया, ये क्रॉस कजन और पैरेलल कजन। ये भी इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है, बट साउथ इंडिया में होता है, मुस्लिम्स में भी है ये कॉन्सेप्ट। दोनों में से एक है, दोनों नहीं है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो अलग अलग लॉ हैं। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, और पारसीज का और क्रिश्चियंस का, मुस्लिम्स का, वो आप जानते हैं, वो लीगल टर्म्स है। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट लीगल टर्मिनोलॉजी और लीगल टर्म्स, ओके। Our aim is to only highlight the basic concepts of marriage only here. उसके बाद अगर आप देखो तो age of marriage, तो वेदों का तो पता है मुझे, 16 साल में recommend किया हुआ है, 16 years से पहले शादी नहीं करनी, but वो माइनस होते होते 8 years हो गया, और फिर अब फिलहाल आप जानते हो 18 years है as far as Indian law is concerned, ठीक है। तो ये age का हो गया पूरा issue। Marriage को हम discuss कर रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ और टर्म्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्या हैं? मैरिज हो गई, तो अपने नॉर्थ इंडिया में फ़ीमेल जाती है मेल के घर। नॉर्थ ईस्ट में इसका अपोजिट होता है, वहाँ पे मेल जाता है फीमेल के घर, ठीक है।
और वेस्टर्न कंट्रीज़ में न्यू लोकल प्लेसमेंट होती है, यानी मियाँ बीवी यानी हस्बैंड वाइफ दोनों नए प्लेस पर रहते हैं, तो तीन कंडीशंस होती हैं ये, फीमेल जाएगी मेल के घर में, मेल जाएगा फीमेल के घर में, या दोनों अलग घर में रहेंगे, ठीक है। तो ये तीनों प्रेवलेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैट्री लोकल बोलते हैं फीमेल के घर अगर जाते हैं, पैट्री लोकल बोलते हैं अगर मेल के घर में जाती है फीमेल, और न्यू लोकल बोलते हैं न्यू प्लेस पे, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर सकते हो ऐसे राइटिंग में, और इसको जो सोशोलॉजिकल आंसर्स हैं उनको लिखने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और जितना मैंने कवर किया है ये 6 मिनट्स में, ये मोर देन सफिशेंट है, मोर देन इनफ है। इसको रिविज़न करते रहना ना, डू होप, आई डू होप दैट यू विल गेट योर आंसर परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, बाय।